नमस्कार धरित्री अपराह्न को स्वागत करुछि मु भवानी। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। बड़दाण्डरे लीला खेला सारिबा परे आज नीलकंदर को विजय करिबे चतुर्धा मूर्ति। घोष यात्रार एही अंतिम पर्व देखिबाकु पुरी रे श्रद्धालुंक भिड़। श्रीमंदिर निकटरे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आज ओडिशा पाळुछि रसगोला दिवस। सेपटे रसगोला दे माँ लक्ष्मी मानभंजन करिबे कालिया सांत। आजठ पुरी में बसव भाजपार दुईदिनिया परिवर्धित राज्य कार्यधकारिणी। जोगदेवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश में भाजपार राजनैतिक अस्थिरता को नहीं जुलाई 20 और 21 लखनऊ में बसव आरएसएस और भाजपार एक बड़ बैठक। पांच वरिष्ठ नेता लखनऊ में रहा निर्देश। केन्द्रीय बंगोपसगर और यहां लगी उत्तर बंगोपसगर सृष्टि पुणि एक लघुचाप। आसंता 22 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। वर्तमान नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। नव दिनात्मक यात्रा सारी जन्मवेदी बाहुरी आसी महाबाउ। बड़ भाई प्रभु बलभद्र और भौणी देवी सुभद्रा सह श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें तीन रथरे एवं अवस्थान करुछन्ति महाप्रभु श्रीजगन्नाथ। गतकाली रथ उपरे अधरोपणा नीति संपन्न होता बेले आज श्रीविग्रह मानक नीलाद्री विजय नीति अनुष्ठित हेबो। श्रीमस्तक आकर्षण टाहिया लगाई रथ उपर श्रीमंदिर रत्नवेदी को पहंडी विजय करिबे महाप्रभु श्री बलभद्र, श्रीजगन्नाथ देवी सुभद्रा और चक्रराज श्री सुदर्शन। यह व्यतीत मदन मोहन एवं रामकृष्ण को रथरु श्रीमंदिर को विजय कराजिबो। मिलित घंट बाद्यरी कंपी उठिबो श्रीमंदिर सिंहद्वार। सेवायत एवं भक्तों मेलरे श्रीमंदिर को फेरिबे दारु ब्रह्म। पूर्ववर्ष भली निर्धारित समय पूर्व महाप्रभु पहंडी करने को पदक्षेप नि दैतापति निजोग सहमति प्रकाश कर। संध्या धूपरी चारमाळ बंधाजिबा परे पहंडी आरंभ हेबो। दिन 3:50 रे पुष्पांजलि परे 4:00 रे पहंडी आरंभ हेबो। राति 10:00 सुधा पहंडी शेष करिबाकु समय निर्धारण करा जायछि। तबे घोष यात्रार एही अंतिम पर्व देखिबाकु श्रद्धालुंक भिड़ जमिबो। एहाकु दृष्टि रखी श्रीमंदिर निकटरे सुरक्षा व्यवस्था को मध्य कड़ाकड़ी करा जायछि। आज श्रीमंदिर रे नीलाद्री विजय अनुष्ठित हेउथिबा बेले ओडिसा रे पालन हेउछि रसगोला दिवस। रसगोलार इतिहास एवं उत्पत्ति विषय लोकंकु जणाइबा पई पालन करा जाउछि रसगोला दिवस। पौराणिक कथा अनुजाई रसगोला देवी लक्ष्मी को भोग भाव अर्पण करा जाए। विश्वास करा जाए प्रभु जगन्नाथ माँ लक्ष्मी को बिना अनुमति रे 9 दिन यात्रा रे जाइथिले। स्वामी एवं तांको यात्रा को नहीं माँ लक्ष्मी रागी मंदिर प्रवेश द्वार रे ताला पकाई देथिले। तांको स्वामी जेपरी घर भितर को प्रवेश न करती तेणु लक्ष्मी मानभंजन प्रभु जगन्नाथ तांको रसगोला अर्पण करिवार परंपरा रही। रसगोला हेउछि मीठा मानक राजा। ओडिया मानक प्रिय खाद्य मध्य रसगोला अन्यतम। केतेक ओडिया गवेषकों मतरे जगन्नाथ परंपरा रे रसगोलार व्यवहार द्वादश शताब्दी चली आसुछि। आजठ पुरी में बसव भाजपार दुईदिनिया परिवर्धित राज्य कार्यकारिणी। राज्य सभापति मनमोहन सामल अध्यक्षतार अनुषित होब यह बैठक। केन्द्र में तृतीय थर मोदी सरकार और राज्य में प्रथम थर बीजेपी सरकार गठन पर बसुची कार्यकारिणी। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा समेत अन्य केन्द्रीय नेता क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल, राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार, सहप्रभारी लता उसेंडी प्रमुख जोगदे बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री, दुई उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल समस्त सदस्य, सांसद और विधायक सामिल हेबे। अपराह 2:30 कार्यकारिणी बैठक को उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। यह 20 तारीख संध्या पर्यंत चलो। उत्तर प्रदेश में भाजपार राजनैतिक अस्थिरता को नहीं जुलाई 20 एवं रविवार जुलाई 21 लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस एवं भाजपार एक बड़ बैठक अनुष्ठित होब। आरएसएस सह अरुण कुमार यह बैठक करेंगे। पांच जन नेता केवल लखनऊ में उपस्थित रहिबाकु कहुछि। पांच जन नेता होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्याड, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य सभापति भूपेन्द्र चौधरी एवं संगठन साधारण संपादक धर्मपाल सिंह। लोकसभा निर्वाचन फलाफल पर उत्तर प्रदेश राजनीति तीव्र होती। यूपी भाजपार आसन ह्रास पाइबर दलर नेता निरंतर बृत्ति जारी रखिंट। समाजवादी पार्टी सभापति अखिलेश यादव ए संपर्क में भाजपा को टार्गेट कर। केन्द्रीय बंगोपसगर और यहां लगी उत्तर बंगोपसगर सृष्टि पुणि एक लघुचाप क्षेत्र। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में आसंता 22 तारीख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान पानीपाग केन्द्र। आज 10 जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना थी बेले 3 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ପୁରୀ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ଧରିତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dharitri.com। ନମସ୍କାର।